आप देखिए जिस तरह से यहाँ डिटेन किया जा रहा है लोगों को, तस्वीरें सीधी हम दिखा रहे हैं आपको दिल्ली से। सबका एक ही कहना है फ्री फिली फिलिस्तीन, और सॉलिडरिटी में ये लोग यहाँ पहुँचे हुए देख सकते हैं। यहाँ लाठी चार्ज हो रहा देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरें। नमस्कार, मेरा नाम है राशिद कमाल। इस वक्त हम लोग खान मार्केट में हैं और यहाँ जो है इसराइल एम्बेसी जाने के लिए तमाम जो है छात्र जो है इकट्ठा हुए। एक बार कैमरे पर्सन को दिखाने के लिए देख सकते हैं तमाम जो छात्र इकट्ठा हुए हैं, और जिस तरह से फिलिस्तीन के ऊपर जो हमला हो रहा है उसको फिलिस्तीन के सॉलिडरिटी में ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पुलिस बल भी तैनात है और तमाम छात्रों से हम बातचीत भी करेंगे कि क्या कुछ राय है और क्यों यहाँ ये लोग आए हुए हैं। देख सकते हैं छात्र संगठन के लोग जो है फिलिस्तीन के समर्थन में जो है इसराइल एम्बेसी लगा जा रही है। लोग देख सकते हैं जिस तरह से सॉलिडरिटी में जो है, जिस तरह से गाजा में जिस तरह हमला हो रहा है इसको लेकर ये लोग निकले हुए हैं। जनता के संघर्ष के साथ हम खड़े हैं और इसराइल जल्द से जल्द इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगे। ये भी समझना होगा कि हमास का वो एक बॉम्बिंग अकेला इवेंट नहीं, उससे पहले भी इसराइल हमला करता आ रहा है, उसके बाद भी इसराइल अभी भी हमला कर रहा है। और एक ऐसा देश जो मैं पहले भी बोली हूँ कि जो पानी के लिए, खाने के लिए, अपने जीने के लिए इसराइल पर निर्भर है, क्या उसको खतरा, इसराइल को खतरा हो सकता है उस देश से? मैडम ये बताइए, 57 मुस्लिम देश इकट्ठे हो गए फिर भी इसराइल पीछे नहीं हट रहा, वजह क्या है, किसका समर्थन मिल रहा है इसराइल को? देखिए अमेरिका का समर्थन है, इस प्लेकार्ड पे भी लिखा है कि जो यूएस नेवी फ्लीट्स हैं उनको वापस जाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अमेरिका को इसराइल में होने से और ज़ायनी इसराइल के साथ अमेरिका के गठजोड़ से दो तरफा फ़ायदा है। एक तो ये जो इराक में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, उससे उसका एक प्रभुत्व बनता है मध्य पूर्वी दुनिया के क्षेत्र में, और उसके साथ साथ वहाँ का जो तेल का बाजार है जो पूरे मध्य पूर्वी हिस्से में पाया जाता है, जो तेल है वो डॉलर में उसका ट्रेड होता है, तो उस डॉलर का प्रभुत्व बनाए रखने के लिए, वो डॉलर का प्रभुत्व बनने से क्या होता है, हमारे जैसे भारत जैसे देश उसके सिवाय और विकासशील देश हैं। क्या लगता है वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है, ये बताइए? देखिए वर्ल्ड वॉर शुरू हो ना हो, हमें लगता है कि एक शोषण का जो युद्ध है वो चल ही रहा है, जहाँ पर एक बड़ी हिस्सा है दुनिया का जो शोषण के खिलाफ लड़ रहा है। और आज जो लोग यहाँ पर आए हैं वो भारत के वो लोग हैं जो फिलिस्तीन के संघर्ष के साथ हैं। वर्ल्ड वॉर का मैं नहीं कह सकती, पर एक युद्ध तो चल ही रहा है जहाँ पर लेकिन जिस तरह इसराइल लगातार हमले कर रहा है उससे नहीं लगता कि इसराइल कदम पीछे लेने वाला है? जी इसराइल कदम पीछे उठाता इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि उसको समर्थन प्राप्त है, दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत से समर्थन प्राप्त है। और दूसरी तरफ वो देश है जो वैसे ही इतना सिमट चुका है दो पट्टियों पे, गाजा पट्टी पे, उसको भी चारों तरफ से घेर लिया गया है, तो इसराइल के पास कोई कारण नहीं है पीछे होने का। इसमें इसीलिए हम ये मांग उठा रहे हैं कि इसराइल को पीछे धकेलने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूएन जैसे संगठन है, वो शांति की बातचीत करा सकते हैं। उसके साथ साथ जो इसराइल की सरकार है, जो नेतन्याहू की सरकार है, उस पर वॉर क्राइम का मुकदमा चलना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में, क्योंकि वो पहले से ही बहुत सारे करप्शन के केसेस में और बहुत सारे वॉर क्राइम के केसेस में उनका नाम आता रहा है। अच्छा। तो ये सिर्फ फिलिस्तीन की जनता की बात नहीं है, ये इसराइल की जनता की भी बात है जो सरकार से दुखी है। क्या कहना चाहिए मैडम, इस तरीके का वार जो है लगता है कि वर्ल्ड वार शुरू होने वाला है, क्या लगता है आपको? देखिए जैसा कि मेरी पहली साथी ने आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर शुरू होगा या नहीं, उससे ज़्यादा अभी भी हर देश में वहाँ की मेहनतकश जनता एक लड़ाई लड़ रही है, हर दिन लड़ रही है, ठीक है। और इस तरीके की चीज़ हम इसराइल में भी देख रहे हैं, इसराइल की मेहनतकश जनता की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें और जो फिलिस्तीन की प्रति व्यक्ति आय है उसमें भारी अंतर है। अच्छा, भारत के कुछ लोग जो है यहाँ पर इसराइल एम्बेसी के बाहर आ करके कह रहे हैं कि इसराइल हमें भेज दो, हम फिलिस्तीनियों से जंग करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं कि इसराइल की जनता जो संघर्ष कर रही है हम उसके साथ खड़े हैं, और इस पूरे विश्व की उन सभी लोगों को आगे आने की ज़रूरत है जो न्याय पसंद और शांति पसंद लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे मैडम, किस तरीके से इसराइल एम्बेसी के खिलाफ जो भारत के कुछ लोग आ रहे हैं दूर दूर से और कह रहे हैं कि इसराइल जो है हमें भेज दो, फिलिस्तीनियों से हम लड़ेंगे? देखिए ये तो जिस तरीके से जो लोग बोल रहे हैं उनसे पूछना ज़रूरी है वो किस लिए जाना चाह रहे हैं। पहली बात, अलग अलग देश में इस तरीके से जनता, मेहनत कर जनता लगातार लड़ रहे हैं। देखिए इस तरीके की तो लड़ाइयाँ जो मौजूद हमारे को समाज में दिखती है वो ज़्यादातर
अलग अलग राज्य की अलग अलग देशों की नेता ही लोग इस तरीके से कराते हैं। लोग कभी नहीं चाहते इस तरीके से लड़ना, हमेशा युद्ध में, हमेशा ऐसे दंगों में, वॉर में मजदूर और महिलाएं और बच्चों का नुकसान होता है, मारे जाते हैं कई संख्या में, जो उनकी संख्या तक नहीं अखबारों में तक नहीं आती है। तो वो लगातार लड़ रहे हैं और उनके साथ हम लोग यहाँ पे एम्बेसी के पास इसीलिए आए हैं कि हम उन जनता के साथ है कि वो लड़ इसलिए रहे क्योंकि पहले से ही उनके साथ इस तरीके से घेराबंदी कर दी गई है। उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको राशन नहीं मिल रहा है, जिस तरीके से उनके साथ शोषण हो रहा है वो लगातार इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार उनके साथ कर रही है। कुछ लोग सवाल यहाँ भी उठा रहे हैं कि आप लोग जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, देखिए आतंकवाद का समर्थन नहीं हो रहा है। आप एक बात बताइए, जो गाजा पट्टी है वो इतनी छोटी सी जगह है जहाँ पे लाखों लोग बुरी तरह रह रहे हैं और ये एक सदी की बात नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से वहाँ पे लोग बुरी तरह रह रहे हैं, जहाँ उनको खाना नहीं मिलता है, जहाँ के बच्चे कुपोषित हैं, वहाँ से आप क्या गुंजाइश करते हैं, वहाँ आप क्या सोच सकते हैं कि वहाँ से क्या निकल के आएगा। जाहिर सी बात है प्रतिरोध होगा, हम प्रतिरोध का समर्थन नहीं करते हैं, पर हम ये बोलते हैं कि प्रतिरोध होता है तो उसका कारण क्या, कारण पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। इस तरीके से यहाँ इसराइल एम्बेसी के बाहर आप लोगों का प्रदर्शन से तनावपूर्ण माहौल बनाने से क्या मसले का समाधान होगा? देखिए आपका जो सवाल है, पहली बात तो मुझे लगता है कि आपको अपने अपने जमीर में झांकने की जरूरत है। क्यों आप सुन लीजिए फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना, यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं फंडामेंटल राइट प्रोटेस्ट करने के लिए, मानवता को बचाने के लिए और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, जो कि तार तार हो रही है यूएसए के इंपेरियलिज्म के कारण। इस पे सवाल क्यों नहीं उठाते? पूरे विश्व जो है यूएसए के साम्राज्यवाद के कारण जो इस देश के सबसे ज़्यादा जो वर्किंग क्लास है वो पिस रहा है, तो हमें सवाल उठाना चाहिए कि क्यों इस तरीके की विश्व व्यवस्था बना दी गई है कि यहाँ पे चंद जो अमीर घराने के विश्व के विश्व हैं, अमीर घराने के जो पूंजीपति हैं, वो पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में रखते हैं और आज हम देखते हैं गाजा पट्टी पे वो हाल है, वो उसी का परिणाम है और उस परिणाम से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या निकल के आएगा? इसलिए जो हमास है वो उसका प्रतिरोध का एक कारण है, वो उस कारक की वजह से हुआ है। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो इसराइल का जो कदम है जहाँ पे मासूम बच्चे जिनके दिल की धड़कनें नहीं रुक रही हैं, आप देखिए वायरल वीडियोस को जो हमारे सामने आ रही हैं, जो वहाँ से बम के बाद जो घरों से औरतें निकाले जा रही हैं, उनका पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक काला हो गया है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं पर मानवता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में हमें क्या सोचना चाहिए? हम लोगों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या सोचना चाहिए? न्याय पसंद लोगों को क्या सोचना चाहिए? क्या हमें सिर्फ आतंकवाद पे बहस करनी चाहिए कि जो मासूम लोग हैं, मासूम औरतें हैं, मासूम वहाँ के सबसे ज़्यादा कुपोषित, सबसे ज़्यादा जो वहाँ की जनता है उनके निहत्थे गाजा फिलिस्तीन के लोगों पर बमबारी करके मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इज अ वॉर क्रिमिनल एंड ही इज ऑल्सो He is also a terrorist. आप ये बताइए ना कि किसी भी देश का बिजली पानी रसद फ्यूल काट कर वहाँ बम बरसाना, ये 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 क्या दिखाता है? ये कायरता दिखाता है। और जब भी तानाशाह अपनी कायरतापूर्ण हरकतों को बचाता है तब तब वो निहत्थे और मासूम लोगों की जान लेता है। हम इस दुनिया के लीडरों से कहना चाहेंगे, फ्रॉम लैंड टू सी, फ्री फिलिस्तीन, फ्री फिलिस्तीन। फिलिस्तीन के आम नागरिकों की कोई गलती नहीं है, बच्चों की क्या गलती है? आज हजारों बच्चों की नृशंस हत्या जो है इसराइल में हो रही है, लगातार पानी खाना रसद सब काट कर बम बरसाया जा रहा है, ये क्या है? लगते यहाँ पे जो है पुलिस बल भी तैनात है इसराइल एम्बेसी के बिल्कुल बाहर और तमाम जनता जो है सड़क पर उतर रही है, सबका एक ही कहना है फ्री फ्री फिलिस्तीन, और सोलिडरिटी में ये लोग यहाँ पहुँचे हुए देख सकते हैं, यहाँ लाठी चार्ज हो रहा देख सकते हैं, यहाँ पे तस्वीरें आप देखिए जिस तरह से यहाँ डिटेन किया जा रहा है लोगों को, तस्वीरें सीधी हम दिखा रहे हैं आपको दिल्ली से, और यहाँ देख रहे हैं लोगों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है और साफ तौर पे पुलिस जो है यहाँ पे प्रदर्शनकारी काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं जिसे पुलिस बल भी तैनात किया गया है, लेकिन जिस तरह से देख सकते हैं तस्वीर आप, पुलिस बल जो है छात्र छात्राओं के ऊपर गिर रहे हैं और इन लोगों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है, देख सकते हैं आप पुलिस बल जो किस तरह से इन लोगों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है।
तो यहाँ काफी संख्या में जो है दिल्ली की जनता और छात्र इकट्ठा हुए हैं और सभी लोगों को डिटेन कर करके ले जाया जा रहा है। यहाँ से देख सकते हैं महिला पुलिस बल भी तैनात है और तमाम पुलिस बल जो है यहाँ पे काफी संख्या में इकट्ठा किया गया है। पुलिस बल के लोग जो है और डिटेन कर करके सभी को ले जाया जा रहा है यहाँ से, जिस तरह से इजराइल एम्बेसी के बाहर ये लोग प्रदर्शन करने आए हुए हैं। देख सकते हैं तमाम जो है पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी और जिस तरह से तो तस्वीर आप देख सकते हैं, लोगों को लगातार यहाँ से घसीट घसीट के ले जाया जा रहा है, सबको डिटेन कर कर के सबको ले जाया जा रहा है यहाँ से फिलिस्तीन एम्बेसी के सामने। जिस तरह से तमाम जो लोग जो इकट्ठा हुए हैं और सभी को यहाँ से डिटेन करके ले जाया जा रहा है, आप तस्वीर देख सकते हैं।